तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के भव्य रूपों की उपासना की जाती है। हालांकि इस साल नवरात्र महज 8 दिनों तक ही रहेंगी, जो 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगी। शरद ऋतु में पड़ने वाली नवरात्र को मुख्य नवरात्रि माना जाता है। इस दौरान देश भर में धूम मची रहती है। खासतौर पर बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में इस त्योहार को सबसे अधिक रौनक देखने को मिलती है। जहां बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए खूबसूरत और आकर्षक पंडाल भी लगाए जाते हैं, वहीं गुजरात में जगह जगह गरबा का आयोजन किया जाता है। कलश स्थापना का समय नवरात्रि के इस त्योहार में कुछ लोग अपने घरों माता की चौकी लगाकर अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल देवी दुर्गा की मूर्ति लगाकर कलश की स्थापना की जाती है, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते विशेष ध्यान दिया जाएगा। मानवता मैया या दास के हरिओम हरिओम।